इसमें तगड़े तुई लच्छी या करिश्मा यहाँ पे मेरी बड़ी जी और ये वाली बड़ी जी आपने पहचाना ही होगा। हेलो दोस्तों, तो हम पलूड़े में पहुंच चुके हैं। ये पीछे है मेरी फ्रेंड और यहाँ पे ऊपर वाली भाभी जी, यहाँ पे नीचे वाली भाभी जी, तो और यहाँ पे मेरी बड़ी जी और ये वाली बड़ी जी आपने पहचाना ही होगा। और ये वाली बड़ी जी भी शायर वाली बड़ी जी है, तो ये भाभी जी है और बड़ी जी हाला भी कर रहे हैं मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। तो बोले तुम क्यों पहुँच जा बहुत हाँ, तो यहाँ बारिश आ रही है तेज से और सबने आज बरसात दिला रखी है। और दो ये है यहाँ पे तो हम जा रहे हैं अभी जंगल को, आपको हम जंगल ही बताएंगे। तुम कहाँ से जाना आज ये बरखा मैया हेलो दोस्तों, तो इसमें तगड़े तुई लच्छी या करिश्मा तुम कुछ बुन चाँद चाँद सब सर मारा से नहीं कोई बात नहीं। ये ची लक्ष्मी तुम कुछ बुन चाँद हम जंगल जा रहे हैं पानी के लिए। हाँ? और लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें हमारी वीडियो को और ऐसी बारिश में हम जा रहे हैं तीनों जंगल जरूर जरूर करना हमारे लिए कमेंट है। और हम तीनों जा रहे हैं जंगल, तो जंगल में थोड़ा बहुत डर भी लगता है, इसे तो बहुत ज़्यादा लगता है और मुझे भी इसे थोड़ा कम कम लगता है। तो मैं आपको अपना जंगल बताऊंगी कितना घना जंगल है हमारा, फिर मैं आपको भी बताऊंगी अभी। और देखिए इतनी बारिश आ रही है यहाँ पे, कोहरा ही कोहरा लगा है हर जगह। तो बाकी लोग तो चले गए और हम तीनों यहीं पे अभी, अब हम भी जा रहे हैं, घर आएंगे हम शायद लगभग 2-3 बजे बांझ लेके। तो लोग खास के लिए चले गए, हम बांझ के लिए जा रहे हैं। तो इनके लिए कमेंट और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ हमारे चैनल को। और आप कुछ बोलना चाहोगी? ये कुछ नहीं बोल सकती, इसे बहुत शर्म आ रही है। नहीं उसे हंसी आ रही है, बोल कुछ बोलेगी। तो हम आज काटना और हम घास काटना इसका बोलने का मतलब है कि लोग घास मन लोग घूमने जा रहे हैं, हम काट रहे हैं क्या हम वही। तो ये हमारी द्रांति बरसांती सुलेटा और इसको लेकर चले हम जंगल की ओर। तो हम फिलहाल जा रहे हैं अभी मौरी खाल की साइड और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा भी लगा हुआ है, बाकी सारे लोग तो चले गए। तो हमें लाना है बांझ, क्योंकि हम बांझ आज इसलिए हैं कहीं कल हमें कहीं जाना है, तो आज हम इसलिए बांझ लाएंगे। तो प्लीज़ मेरी फ्रेंड के लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट तो ज़रूर करना उनके लिए। और कुछ बोल भी रही है ऊपर, सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि बारिश आ रही है यहाँ तेज सी। और वो घर से हम भीग भीग के आ गए, अभी हमें बहुत दूर जाना है। तो मिलते हैं हम आपको फिर से वहीं जंगलों में।
हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं अपने उछलान की ओर। लक्ष्मी चली गई है पेड़ पे, छोटे वाले पेड़ पे, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिफला हो रखा है, मतलब पेड़ पे जाने का नहीं है आज, तो बहुत ज़्यादा बारिश भी आ गई यहाँ पे। देख सकते हो आप हमारे पहाड़ी जीवन कैसा है, जो हमारा पहाड़ी जीवन जीने का तरीका है कैसा है। ऐसे बारिश में जंगल आए हुए हैं और पेड़ों से बांझ भी निकालना है, फिर इतनी दूर घर भी जाना है। तो देखिए आज बहुत ज़्यादा बारिश भी आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हम घर से भीग कर आ गए यहाँ पे। कितना कठिन जीवन है हमारे यहाँ पहाड़ों में जीवन, कितना परिश्रम करना पड़ रहा है इतने बारिश में भी। और देखिए बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है, नीचे की साइड देखिए कोहरा लगा हुआ है बहुत। और अभी मुझे इस पेड़ पर जाना है, इस वाले पेड़ पर यहाँ से बाहर निकालना है मुझे, तो हर जगह कोहरा ही कोहरा लगा। आज मैं आपको बता दूँ पेड़ कैसे हो रखे हैं, ये देखिए पेड़ एकदम फिसलने के लिए हो रखे हैं बारिश की वजह से, तो डर भी लग रहा है कहीं पेड़ ना फिसल जाए। और लक्ष्मी ने तो वहाँ पे बाहर निकाल भी लिया है पेड़ पे, और मुझे भी जाना है इस वाले पेड़ पे। तो पूरे भीग गए हम घर से आते आते, और देख सकते हो आप पीछे कैसे कोहरा लगा हुआ आज यहाँ, एकदम अंधेरा भी हो रखा है यहाँ पे, इतनी बारिश में भी हम जंगल आए हुए हैं। बहुत प्यारा पहाड़ है हमारा, और हम जहाँ पर अभी हैं यहाँ पर बोलते हैं कोंचा बोलते हैं यहाँ पर, कोंचा पे ये हमारा सबसे टॉप है, और गांव से बहुत ज़्यादा दूर है ये, तो इतनी दूर आ रखे हैं हम। और इस साइड है हमारा, इस साइड है ढोना वालों गाँव उधर, तो कोहरे की वजह से साफ नहीं दिख पा रहा है आज। तो अब हम निकालते हैं बांझ, मिलते हैं आपको आपको अपने बांझ के बारे के साथ में, तब तक हम इस पेड़ से बांझ निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए लक्ष्मी ने यहाँ से बांझ निकाल लिया है, और मैं भी वीडियो बना रही हूँ, तो बारिश में आज मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि घर से भीग कर आए, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग गई है हमें। तो करिश्मा ऊपर पे बांझ निकाल रही है, लक्ष्मी यहाँ पर है, मुझे भी जाना है अब बांझ निकालने। नहीं नहीं उनसे पहले निकालूंगी मैं, पहाड़ की किसान होनी है हम, क्यों। और अब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे ऊपर की साइड से, ये देखिए ऊपर तो अंधेरा भी हो रखा है, डर भी लग रहा है हमें अपने पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ पर आज कोई नहीं आ रखा, हम तीनों ही आ रखे हैं। तो हमें मुझे इस वाले पेड़ पे जाना है, मैं आपको बताते इस वाले पेड़ पे जाना है मुझे, इस वाले पे और नीचे वाले पेड़ पे भी जाना है मुझे अभी। और पीछे से पता नहीं हंस आ रही है कि पता नहीं क्या क्या बोल रही है पीछे से, वही तो। हाँ उन्हें तो ठंड भी नहीं लग रही, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, एक ऊपर से भटिया रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। तो मुझे भी अब बाहर निकालना होगा, अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं उछलान में, और आज यहाँ पे पानी भी और का है थोड़ा बहुत, तो ये है क्या बोलता है
करिश्मा और हम बांध का भाड़ा लेकर आ गए यहाँ पे। तो अभी बारिश भी कम हो चुकी है और ऊपर के साइड देखिए कोहरा लग गया बहुत ज़्यादा। ये हमारा सबसे टॉप, इसे बोलते हैं हम टकला धेड़ा, मतलब वहाँ एक पेड़ नहीं है इसलिए बोलते हैं। और लच्छी निकाले भी यहाँ पे घास, घास ले जाएंगे एक दो दिन में। इसका भी घास नहीं हुआ, यहाँ पर घास निकाल रही है। और मैं आपको यहाँ का व्यू बताती हूँ, ये देखिए पीछे ये ढोंडा वालों का जंगल है, प्रेमनगर वालों का और माद गांव वालों का। ये सबसे अच्छा है यहाँ पे उछलान, ये दोनों है पीछे एक घास निकाल रही है। कैसे हो आप? कैसे हो? वो तो ठीक ही होंगे पर आप कैसे हो ये बताओ। तो हमें ठंड भी लग रही है सब, मतलब भीग गए हम पूरे। और मैं आपको यहाँ का तुम भी ठीक छा? तुम भी ठीक छा बेटा? हाँ यार चिकनो आप खोड़ फिर भी जा रहे हो नहीं जी? अभी तो ये बार खमच जाए हैं तुम? हाँ भैया चिकन पाव हैं, बारिश कर दिया मैं सुन अच्छा आप रोज आओ ना बे अब पौड़ खून के बोलो तुम ये घास थे पौड़ तो पौड़ का आंसर। हाँ एक दिन आपका किधर हो ना रोड़ी थे? हाँ वही थे आज फुलो ही जन खाना ये भाई इन बोलूंगा कि मर खामो वही तो ये बकों पहुंचे तो मैं ये क्यों बोलन ये बोले ये को क्या बोलो ये मोनो नेरा गेर पा। अच्छा नेरा गेर बदन अयो इथा गोर भी वाणो छ गोर गान थे हैं अबे तो पूछ वो गोर यो अबे ने थे। हां ना अच्छा जी पड़या थे ना हैं बुखार है। अरे तते गोर बाहर किते लियोन तो मेरी पेट में पड़े होई हैं ना देवा बोल राम पूरा हाल वाला अच्छा दूर गा वाली दूर है दूर गान थे के बोला ना अयो बाहर भी ले यूं ना कि बोल। हां सगत भा ले ये भाई देवल वही ते दु यो सच्ची है ना बाहर जा दो पे वही ते देख मेरा बा के भा ले यूं है वही ते ये जिम्मे दीदी जी एक दी तुम रात भारो तो किला तब है तरक छी कम नीचे हाँ यार के गए बेटा बेटा पुनिया छी बोलो मां के कान छे यार तन में के धुस होते हां ये यार न पूछू हां मते लगे बेटा सची है ना के कान यार जोड़ सते न्या। हां बे काम दान को हड़ा वाला। हां ओला यो बाहर जाओ के देखो ली के कान यार यो के ढूंढ यार। हेलो दोस्तों, जंगल से पहुंच चुके हैं हम घर और घर आते आते यहाँ लग गई बहुत तेज़ सी धूप देखिए। और ये हमारा घर है और यहाँ पर मेरी बैठी है मेरी दादी जी, प्यारी सी दादी जी बैठी है मेरी यहाँ पे। और क्योंकि इस समय धूप सेक रही है वो मेरी दादी जी। और हाँ जी और देखिए धूप में कैसा लगता है हमारा पहाड़। ये हमारा हरा भरा सा पहाड़, सुबह बारिश टाइम तेज़ धूप, अच्छा मौसम बना है यहाँ आज। और ये मेरे दादी का घर, इस समय धूप लगी है तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग धूप सेक रहे हैं, मेरी दादी भी मम्मी जी भी। और मैं आपको अपनी दादी से मिलाती हूँ। दादा इमाल मेरा ठीक है तुम? मेरे वहाँ भी ठीक था, तुम भी ठीक बोला। गाँव जाओ था अपना, हम ये बोलिए गाँव था अपना का ये बताइए। बारिश से बिना गमक बोले बरखा लगेगी बस मैं बैठूँ छूँ जोर से
तो मेरी दादी जी बोल रही है लोग सुबह घास के लिए जा रखे थे और मैं घर ही में थी और हम भी घास के लिए बांध के लिए जा रखे थे। दादी बोले अभी मैं धूप सेक रही हूँ। इस टाइम बहुत अच्छा मौसम बना है, यहाँ हल्की सी धूप भी है और उस साइड तो मतलब अंधेरा अंधेरा हो रखा है बारिश के लिए। और यहाँ पे मेरी मम्मी जी अंदर पे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल के ब्लॉग में सबसे पहले कमेंट आया था धनवीर सिंह, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे ब्लॉग में मेरा सपोर्ट किया और उम्मीद है आगे भी करते रहोगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद धनवीर सिंह भाई जी। और आज के ब्लॉग में देखती हूँ मैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है। और आज के बारिश में हम गए थे, आपको पता ही होगा आज बहुत तेज़ बारिश थी, तो हम गए थे जंगल की ओर। तो आज का ब्लॉग मेरी जंगलों अपने पहाड़ों की ओर का है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।